अब भाई मैनुअल में देखेंगे भाई कितने सेकंड में चढ़ती है भाई। ब्रेक तो बढ़िया भाई एकदम लेती है ये गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी भाई ब्रेक तगड़े आते हैं, ये चीज तो मैंने देखी है। तो भाई ये था ऑटोमेटिक में, अब देखते हैं वैसे मैनुअल में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप खटाना। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई हम भी बहुत बढ़िया। अंश भाई क्या हाल है? तो अंश भाई तो मिलते ही रह हम, अंश भाई तो मौज में। अंश भाई एक चीज है कि भाई जैसे नई गाड़ी आई है नी, तो मतलब 0 to 100 कितने में चढ़ जाती है, मतलब बताती कंपनी क्या क्लेम करती है भाई 0 to 100 कितने में चढ़ जाती है, और वो जो मैनुअल पेडल शिफ्टर करके जो वो अलग बताओ, और जो ऑटोमेटिक में चलती है वो कितने में चढ़ जाती है, वो कितने सेकंड में चढ़ जाती है। ट्राई नहीं किया ना आपने आज तक? तो ट्राई करते हैं भाई, देखते 0 to 100 कितनी सेकंड में चलती है। आ जाओ भाई गाड़ी में आ जाओ भाई, देखते आज मारुति की ग्रैंड विटारा 0 to 100 कितने सेकंड में चढ़ जाती है। तो भाई आ जाओ भाई, की वगैरह कहाँ रखी रहने दो। तो भाई स्टार्ट करते गाड़ी को। तो भाई पहले करेंगे भाई हम ऑटोमेटिक में 0 to 100 कितने सेकंड भाई सेकंड चला लो। तो भाई भाई ने स्टार्ट कर लिया, ये स्टार्ट कर देंगे। तो भाई ये वेलकम वाली बोलती है भाई, ये बोला जाता है वैसे ही नाइस में सेटिंग, वेलकम के बाद कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा तो भाई अब इसे 0 to 100 चेक करते हैं भाई। आपने देखा होगा किसी को, मैं यहाँ फ्लैश पर दिख जाएगी, आप कंपनी क्या क्लेम करते हैं। आज हम रियल टेस्ट करते हैं भाई 0 to 100 कितने पे चढ़ती है, ठीक है भाई। तो 1, 2, 3 ये ऑटोमेटिक में भाई 0 to 100 देखते भाई कितने में। बस भाई स्टॉप, 13 सेकंड में भाई 13 सेकंड में चढ़ी है। अब भाई मैनुअल में देखेंगे भाई कितने सेकंड में चढ़ती है भाई। ब्रेक तो बढ़िया भाई एकदम लेती है ये गाड़ी, ऑटोमेटिक गाड़ी भाई ब्रेक तगड़े आते हैं, ये चीज़ तो मैंने देखी है। तो भाई ये था ऑटोमेटिक में, अब देखते हैं वैसे मैनुअल में 13 सेकंड में भाई। कंपनी पता नहीं क्या क्लेम करती है भाई, बता दूंगा मैं आपको, इसमें दिख रही होगी आपको साइड में, मैं लगा दूंगा कंपनी क्या क्लेम करती है। अब भाई मैनुअल में देखते भाई कितने में, कितनी देर में चढ़ती है, कितनी सेकंड्स में ये 0 to 100 चलती है भाई। सीट बेल्ट लगा लेना भाई, सबको रिकमेंड करते हैं हम, और सीट बेल्ट लगा के ही करनी चाहिए जो भी कुछ करना चाहिए भाई, ब्रेक वगैरह लेने पड़ जाए इमरजेंसी में कुछ भी भाई। एक चीज़ और दिखा दो भाई, इसमें ये फुल टंकी करवाई थी भाई ने, तो फुल टंकी में भाई ये दिखा रही कि 1513 किलोमीटर की रेंज भाई, ये मतलब पेट्रोल वाली दिखा रही है सब कुछ मिला के, जो बैटरी वगैरह की जो स्मार्ट हाइब्रिड में चलेगी हाँ, तो और बढ़ सकती है रेंज, बढ़ जाएगी। अच्छा रेंज बढ़ सकती है हाँ, ये तो बस पेट्रोल की दिखा रही कि भाई 513 चलेगी भाई। इसमें एवरेज देख रहे हो आप 14.3 की, भाई कंपनी क्लेम करती है 20-22 की एवरेज है ना भाई, 14 की दे रही है, बट हम रेस कर रहे हैं इस वजह तो घट रही होगी, बट वैसे दी कितनी है भाई आज तक? 20 बार पहुंच जाती रेंज, 20 बार। चलो भाई बढ़िया है। तो भाई अब चढ़ाते हैं हम मैनुअल में 0 to 100 कितनी सेकंड्स में चढ़ते भाई, देखना भाई स्टार्ट करना है जैसे मैं कहूँ 1, 2, 3 भाई स्टॉप 16 सेकंड में भाई, 16 सेकंड में चढ़ी है भाई, दिखा दो एक बार किसी को यकीन नहीं होता मैनुअल में भाई ये 16 सेकंड में चढ़ी है भाई, सही चढ़ी है वैसे तो कंपनी क्लेम कर रही थी भाई। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये थी अपनी छोटी सी एक वीडियो, आपको हम एक अवेयर कर रहे थे भाई, ये स्मार्ट हाइब्रिड और ये ग्रैंड विटारा का बीच वाला मॉडल है, कौन सा भाई, जेटा है ना, जेटा मॉडल भाई ये, और इसमें मतलब भाई आप रिव्यू देख लिया होगा, रिव्यू नहीं देखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाके रिव्यू चेक करो, और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो भाई अपनी आईडी बता दो इंस्टाग्राम की, त्यागी नाम से भाई, भाई की आईडी जाके सारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई को, और बहुत अच्छी अच्छी रील्स वगैरह देखते भाई। भाई के पास एक मर्सिडीज है भाई की, उसकी रिव्यू करेंगे भाई। मर्सिडीज कौन सी वाली है? सी क्लास है भाई, सी क्लास। तो भाई उसमें ज्यादा फील है या इसमें? भाई उसका तो पिकअप अलग ही है, पेट्रोल गया हो भाई उसकी, तो देखो हम वो भी नहीं कर सकते इससे कंपेयर, मारुति से कहाँ मर्सिडीज कंपेयर कर सकते हैं, बट भाई एक चीज देखें भाई, ये भी लग्जरी फील देती है अब तो, है ना भाई। एसी वगैरह का क्या सिस्टम भाई? बढ़िया भाई, बिल्कुल एसी, ऑटोमेटिक कंट्रोल है इसका, सही मतलब सही मजा आ रहा है गाड़ी में भाई। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच।